हेलो एवरीवन वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ फिर आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूजफुल क्लास लेके आया हूँ वो क्लास कौन सी है फर्स्ट क्रॉप्स हाइब्रिड इन इंडिया इंडिया की क्रॉप्स के फर्स्ट हाइब्रिड्स बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में कि ज्वार का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है बेजन पी का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है बोटलगाट का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है तो जिन जिन क्रॉपों के फर्स्ट हाइब्रिड्स हैं आज हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं सो so, अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे YouTube चैनल को सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ठीक है और कोई भी स्टूडेंट हो जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन की प्रिप्रेशन कर रहा हो तो हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक तरीके से नए बैच स्टार्ट हो गए हैं चाहे आपका बैंक का हो चाहे क्रिपको का हो चाहे नवार्ड का हो ठीक है तो क्लासों को ज्वाइन कर सकता है ठीक है स्टार्ट करते हैं हम आज के एक थॉट के साथ थॉट में क्या है देखो हार हो जाती है जब मान लिया जाता है क्या है हार हो जाती है जब मान लिया जाता है जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है तो हमारा थॉट क्या है हार हो जाती है जब मान लिया जाता है जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को देखते हैं फर्स्ट हाइब्रिड कौन कौन से हैं फर्स्ट हाइब्रिड ठीक है तो यह क्लास वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है आपको यह क्लास क्या मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा हो तो इसको नोट करते हुए चले ठीक है है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि फ्री क्लास है, उसके लिए भी बेनिफिट यूजफुल हो जाए तो जो भी स्टूडेंट हो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन की, की तैयारी कर रहा हो सबके लिए यह क्लास क्या है यूजफुल है ठीक है तो देखते हैं हम पहला हाइब्रिड्स पहली क्रॉप कौन सी है पहली क्रॉप है हमारी पल मिलट बाजरा पहली क्रॉप कौन सी है पहली क्रॉप है हमारी बाजरा पलट को हिंदी में बोलते हैं बाजरा ठीक है <laughs> तो बाजरा का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है बाजरा का फर्स्ट हाइब्रिड है एच बी वन बाजरा का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है तो बाजरे का फर्स्ट हाइब्रिड है एच बी वन किसके क्रॉस से डेवलपमेंट हुआ है टिप्ट ट्वेंटी थ्री ए इंटू बेल थ्री बी के क्रॉस से डेवलपमेंट इसका हुआ है और कहाँ से विकास हुआ है फ्रॉम लुधियाना पंजाब से कब हुआ है 1965 में हुआ है पल मिलेट बाजरा का अब आपसे कोई फर्स्ट हाइब्रिड पूछे तो उसका फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है एच बी वन है या किसका क्रॉस है टेप्ट ट्वेंटी थ्री इन टू बिल थ्री बी का क्रॉस है ठीक है या कहाँ से विकसित हुई है लुधियाना पंजाब से विकसित हुई है ये इसका विकास कब किया गया है उन्नीस सौ में किया गया है देखते हैं अंग्ली क्रोप का अंगली क्रॉप कौन सी है अंगली क्रॉप है हमारी बासमती राइस देखो दो प्रकार की राइस में फर्स्ट हाइब्रिड देखने को मिलेंगे एक राइस में की तो बासमती राइस का फर्स्ट हाइब्रिड क्या है बासमती राइस का फर्स्ट हाइब्रिड है पूसा राइस हाइब्रिड जिसे पी आर एच टेन के नाम से जाना जाता है यदि आपसे कोई अब पूछे कि पूसा जो बासमती राइस है बासमती राइस का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है तो पूसा राइस हाइब्रिड टेन जैसे पी आर एच टेन के नाम से जाना जाता है तो बासमती राइस का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है पी गार आर एच टेन बासमती राइस का फर्स्ट हाइब्रिड है देखते हैं अंग्ली क्रोप अंग्ली क्रोप कौन सी है अंग्ली क्रोप है हमारी कॉटन ठीक है क्या है कॉटन कपास जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं कपास ठीक है कॉटन तो कॉटन का फर्स्ट हाइब्रिड क्या है कॉटन का फर्स्ट हाइब्रिड है द वर्ल्ड से फर्स्ट कॉमर्शियल कॉटन हाइब्रिड वर्ल्ड में हमारे यहाँ इंडिया भर में नहीं वर्ल्ड में भी कॉटन का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है एच फोर कौन सी है एच फोर जिसे हाइब्रिड फोर के नाम से जाना जाता है या किसके क्रॉस से डेवलपमेंट हुआ है इस किसके क्रॉस से विकास हुआ है इसका तो गुजरात सिक्सटी सेवन इंटू अमेरिकन नेक्ट, नेक्टीरियल्स के नेक्टीरियल्स के संकरण से इसका विकास हुआ है किसके गुजरात सिक्सटी सेवन एंड अमेरिकन नेक्टेरियल्स के संकरण से क्या हुआ है एच फोर हाइब्रिड फोर का क्या हुआ है विकास हुआ है वाज इन 1970 इसका कब विकास हुआ है कौन सी ईयर में हुआ है 1970 में हुआ है किस साइंटिस्ट ने किया है तो हमारे साइंटिस्ट का नाम क्या है चंद्र चंद्रकांत टी पटेल क्या नाम है चंद्रकांत टी पटेल जिसे शॉर्ट में बोला जाता है सी टी पटेल क्या बोलते हैं <coughs> सॉरी जैसे में सीटी पटेल कहा जाता है तो अब कॉटन या कपास की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है आईच फोर है इसके साइंटिस्ट कौन है सीटी पटेल हैं और यह कौन सी ईयर में डेवलपमेंट हुआ था तो 1970 में इसका डेवलपमेंट विकास हुआ था देखते हैं अंगली क्रोप ंगली क्रॉप है हमारी राइस देखो पहले हमने क्या किया था राइस किया था अब अंग्ली क्रॉप क्या है अंग्ली क्रॉप है हमारी राइस तो राइस का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है सी ओ आर एच वन राइस का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है सी ओ आर एच वन राइस का फर्स्ट हाइब्रिड है द फर्स्ट राइस हाइब्रिड फॉर तमिलनाडु एंड इंडिया कब है कब विकास हुआ है इसका उन्नीस में हुआ है राइस का जो फर्स्ट हाइब्रिड है वह हमारे इंडिया का भी और कहाँ का तमिलनाडु का भी फर्स्ट हाइब्रिड फर्स्ट हाइब्रिड है इसका विकास कब हुआ है उन्नीस में इसका विकास हुआ है राइस का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है सी ओ आर एच वन है हाइब्रिड है, है? है? तमिलनाडु का भी फर्स्ट हाइब्रिड है और इंडिया का भी फर्स्ट हाइब्रिड है इसका विकास कब हुआ है तो उन्नीस में कब उन्नीस में इसका विकास हुआ है देखते हैं अंगली ग्रोप क्रोप क्या है? है है? हमारी मैंगो, ठीक है? हम यहाँ पे उन उन क्रोपों के करने वाले हैं जो इंपोर्टेंट है और अधिकांशता क्वेश्चन इन्हीं क्रोपों से पूछा जाता है फास्ट हाइब्रिड तो बहुत सारी क्रोपों के हैं, ठीक है लेकिन हम डिस्कस उन क्रोपों के करेंगे जो अधिकांशता एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और इम्पोर्टेंट एंड इंपोर्टेंट हैं ठीक है तो देखते हैं अंग्ली क्रोप अंग्ली क्रोप कौन सी है हमारी मैंगो जिसे हिंदी में क्या कहते हैं आम तो मैंगो का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है तो मैंगो में दो हाइब्रिड्स देखने को मिलते हैं ठीक है तो मैंगो का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है मैंगो का फर्स्ट हाइब्रिड है प्रभा शंकर कौन सा है ंगो का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है प्रभा शंकर जिसका विकास कब हुआ था 1946 में हुआ था मैंगो का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है मैंगो का फर्स्ट हाइब्रिड है प्रभा शंकर जिसका कब विकास हुआ था 1946 में हुआ था अब एक हाइब्रिड है फर्स्ट हाइब्रिड इन मैंगो बाई आई ए आर आई जो पूसा नई दिल्ली है उसमें जो हमारा एग्रीकल्चर राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है तो उसके द्वारा तो भी फर्स्ट हाइब्रिड विकसित किया गया है तो वह कौन सा है हमारा मल्लिका है जो कब विकास किया गया है उन्नीस में किया गया है तो मैंगो के दो फर्स्ट हाइब्रिड हैं, पहला यदि फर्स्ट हाइब्रिड पूछे तो मैंगो का फर्स्ट हाइब्रिड प्रभाशंकर है जिसका विकास कब हुआ 1946 में हुआ है ठीक है एक फर्स्ट हाइब्रिड है जो आई ए आर आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है तो वह उसका फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है मल्लिका है और इसका विकास कब किया गया है उन्नीस में किया गया है देखते हैं अंगली ग्रोप <coughs> अंगली क्रोप कौन सी है अंगली क्रोप है हमारी सोरघम ज्वार ठीक है तो ज्वार का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है ज्वार का फर्स्ट हाइब्रिड है हमारा सी एस एच वन ज्वार का ज्वार का या सोरगम का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है ज्वार या सोरघम का फर्स्ट हाइब्रिड है हमारा सी एस एच वन कब विकसित किया गया है उन्नीस में विकसित किया गया है इसके अलावा सी एस एच फाइव तथा सी एस एच नाइन भी विकसित किए गए हैं। यदि ज्वार का फर्स्ट हाइब्रिड पूछता है तो आपको फर्स्ट हाइब्रिड सी एस एच वन जो कब विकास किया गया है उन्नीस में किया गया है जो किन साइंटिस्ट ने किया था देखो नीलम राजू गंगा प्रसाद राव नीलम राजू गंगा नीलम राजू गंगा प्रसाद राव ने राव को क्या कहा जाता है फादर ऑफ हाइब्रिड सोरगम इन इंडिया कहा जाता है इंडिया का फादर ऑफ हाइब्रिड सोरगम शंकर ज्वार का पिता किसको कहा जाता है नीलम राजू गंगा प्रसाद राव को कहा जाता है इसका शॉर्ट फॉर्म लिख के आता है एन जी पी राव क्या लिख के आता एन जी पी राव यदि नीलम राजू गंगा प्रसाद राव लिख के नहीं आया तो शॉर्ट फॉर्म क्या लिख के आएगा एन जी पी राव तो किसको फादर ऑफ हाइब्रिड सोरगम इन इंडिया किसको कहा जाता है एन जी पी राव को नीलम राजू गंगा प्रसाद राव को कहा जाता है ज्वार का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है सी एस एच वन है कब विकास हुआ था उन्नीस सौ चौसठ में हुआ था इसके अलावा सी एस एच फाइव तथा सी एस एच नाइन का भी विकास किया गया है देखते हैं अंगली क्रोप अंगली क्रोप कौन सी है अंगली क्रोप है हमारी पेजन पी अराहर ठीक है अराहर या तुगर बोलते हैं ठीक है तो पेजन पी का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है अराहर का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है तो अराहर का फर्स्ट हाइब्रिड है आई सी पी एच एट कौन सा है आई सी पी एच एट आहार का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है आई सी पी एच एट है जो किसके क्रॉस से बना है प्रभात किसके क्रॉस से बना है प्रभात किसके क्रॉस से बना है प्रभात डी टी इंटू आई सी पी एल एक सौ इकसठ के क्रॉस से इसका विकास हुआ है <coughs> और यह क्या है द वर्ल्ड फर्स्ट पिजन पी है द यह हमारे देश की नहीं जबकि वर्ल्ड का भी फर्स्ट हाइब्रिड है ICPH8, पिजन पी का हमारे यहाँ का नहीं बल्कि विश्व का भी फर्स्ट हाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉप है उसके अलावा वाज रिली वाज रिलीज ज्वाइंटली बाई एक्सेट एंड आई सी आर इन 1991 इसका विकास कब हुआ था आईसीपीएच का 1991 में हुआ था कहां से हुआ था एक्रीसेट एंड आईसीआर के द्वारा किया गया है कहां के कहां के द्वारा एक्रीसेट या आईसीआर के द्वारा किया गया है एक्रीसेट का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहां पर स्थित है हैदराबाद में स्थित है ठीक है और आईसीआर इंडियन काउंसिल्स एग्रीकल्चर रिसर्च जो कहां पर स्थित है, है, है? तो ICPH, है किसके क्रॉस से बना है प्रभात डी टी इन टू आई सी पी एल एक सौ इकसठ के क्रॉस से बना है ठीक है द वर्ल्ड फर्स्ट पिजन पी हाइब्रिड यह हमारे देश का नहीं जबकि विश्व का भी क्या है फर्स्ट हाइब्रिड क्रॉप है ठीक है और इसमें क्या है ये कब रिलीज हुआ है यह एक्रीसेट एंड आईसीआर के द्वारा रिलीज किया गया है कब किया गया है उन्नीस में किया गया है देखते हैं अंगली क्रोप अंगली क्रोप कौन सी है अंगली क्रोप है हमारी इंडियन मस्टर्ड क्या है इंडियन मस्टर्ड इंडियन मस्टर्ड क्योंकि है क्योंकि मस्टर्ड में कई सारे मस्टर्ड हैं जैसे पीली सरसों ठीक है और पीली सरसों है एक इंडियन मस्टर्ड पीली सरसों राई और भूरी सरसों ठीक है अलग अलग नाम से आता है लेकिन यहाँ पे हमने किसका जिक्र किया है राई का जिक्र किया है तो उसमें है क्या देखो इंडियन मस्टर्ड तो इंडियन मस्टर्ड क्या बोलते हैं इसका बोटनिकल नेम क्या होता है ब्रेसिका जनसिया एल क्या होता है ब्रेसिका जनसिया एल होता है तो ये किसके क्रॉस से बना है इसका फर्स्ट हाइब्रिड क्या है इंडियन मस्टर्ड का इंडियन मस्टर्ड का फर्स्ट हाइब्रिड है एन आर सी एच बी पांच सौ छ फर्स्ट हाइब्रिड क्या है एन आर सी एच बी पांच सौ से विकास किया गया है कहाँ से कब किया गया है 2009 में किया गया है कहाँ पे किया गया है डी आर एम आर भरतपुर से किया गया है डायरेक्ट्रेट रैप सीड मस्टर्ड रिसर्च पर स्थित है भरतपुर में स्थित है तो इंडियन मस्टर्ड मस्टर्ड का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है एन आर सी एच बी पांच सौ है जो फर्स्ट हाइब्रिड है कब विकास हुआ है 2009 में हुआ है कहां से किया गया है डी आर एम आर भरतपुर राजस्थान से किया गया है देखते हैं अब अंग्ली क्रोप अंग्ली क्रोप कौन सी है अंग्ली क्रोप है हमारी सन फ्लावर कौन सी है सनफ्लावर तो सन फ्लावर का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है बी एस एच वन तो सनफ्लावर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सूरमुखी कहते हैं सूरमुखी का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है देखो सूर्यमुखी का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है बी एस एच वन है जिसे बेंगलोर सनफ्लावर हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है तो बी एस एच वी एस एच वन बेंगलोर सन फ्लावर है वाज डेवलप्ड फ्रॉम आई ए आई सी आर पी सिस्टम फ्रॉम बेंगलुरु का विकास किया गया है उन्नीस सौ अस्सी में किया गया है द फर्स्ट सी एम सी साइटो जे, साइटोजेनेटिक मेल साइटोजेनेटिकलिटी का यूज करके इसका विकास किया गया किसका साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक मेल का यूज करके इसका विकास किया गया है ठीक है किसका उपयोग किया गया है जो जेनेटिक मेल स्टेलिटी की मेथड्स होती हैं तो उसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का यूज करके कौन सी वेरायटी का डेवलपमेंट किया गया है बी एस एच वन बेंगलुरु बेंगलुरु सनफ्लावर हाइब्रिड्स वन का विकास किया गया है किसके द्वारा किया गया है ए आई सी आर पी के द्वारा किया गया है कब किया गया है 1980 में किया गया है कहां पर किया गया है बेंगलुरु में किया गया है देखते हैं अंग्ली क्रूप बिल्कुल एकदम पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे और एक कॉपी में नोट कर लेंगे ठीक है जो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखते हैं अंगली क्रोप अंगली क्रोप क्या है अंगली क्रोप है हमारी मेज क्या है मेज जिसे क्या कहते हैं हिंदी में मक्का तो फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मेज मेज का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है गंगा फर्स्ट मेज का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है गंगा फर्स्ट है वाज डेवलप्ड इन इंडिया 1961 गंगा फर्स्ट जो हाइब्रिड है मेज का उसका विकास कब किया गया है 1961 में किया गया है तो मेज का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है गंगा फर्स्ट है कब विकास किया गया है 1961 में किया गया है देखते हैं अंग्ली क्रोप अंग्ली क्रोप कौन सी है अंग्ली क्रोप है हमारी सुगर केन क्या है सुगर केन

आईटी कौन सी है सीओ पांच है ये कहां से विकसित की गई है कोएमटूर से विकसित की गई है कब विकसित की गई है सॉरी इसका विकास कब हुआ है 1918 में हुआ है जबकि जो हमारा एसबीआई है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है उसका कब स्थापना हुई थी 1912 में हुई थी ठीक है तो यह जो सीओ 5 है शुगर केन का किसके क्रॉस से बना है तो यह सेकेरम ऑफिसिनरम इनटू सेकेरम स्पोंटेनियम के क्रॉस से बना है यह एक कैसा क्रॉस है यह एक इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है क्या कैसा क्रॉस है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस क्या होता है जब एक ही वंश के दो इस के मध्य आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कहते हैं ठीक है एक दिन क्रॉस बहुत अच्छे से समझाए थे कि क्रॉस हमें तीन प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन तीन प्रकार का देखने को मिलता है स्पेस पे क्रॉस इंटर स्पेस पे क्रॉस और इंटर जेनरिक क्रॉस जो स्पेस पे क्रॉस होता है उसे इंटर इंटरबेराइटल क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है तो ये कैसा क्रॉस है ये हमारा इंटर स्पेसिफिक क्रॉस क्रॉस है। है? किसके से बना है? से रम, रम, जैसे गन्ना कहते हैं और सेम स्पोंटेनियम ये क्या होता है जंगली गन्ना होता है इसके क्रॉस से सीओ दो सौ पांच का विकास किया गया है ठीक है और ये कब वैरायटी रिलीज हुई है हाइब्रिड वैरायटी कब बनी थी 1918 में बनी थी तो अब आपसे पूछे कि सुगर केन का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है तो सुगर केन का फर्स्ट हाइब्रिड है हमारा सी ओ ठीक है कहाँ पर कहा किसके द्वारा बनाया गया है या एस बी आई सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट 1912 में जो बना था उसके द्वारा स्थापना हुई थी जिसकी एस बी आई की ठीक है तो उसके द्वारा इस वेरायटी का क्या हुआ है डेवलपमेंट हुआ है देखते हैं अंग्ली क्रोप अंग्ली, है? अंग्ली, है अंग्ली क्रोप कौन सी है अंग्ली क्रोप है हमारी सा फ्लावर जैसे हिंदी में बोलते हैं कुसुम अंग्ली क्रोप कौन सी है अंग्ली क्रोप है हमारी सा फ्लावर जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं कुसुम कहते हैं तो कुसुम का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है कुसुम का डी एस एच एक सौ पचासी ये क्या है कुसुम का फर्स्ट हाइब्रिड है अब आपसे कोई पूछे कि कुसुम का फर्स्ट हाइब्रिड क्या होता है तो कुसुम का फर्स्ट हाइब्रिड हमारा डी एस एच एक सौ पचासी होता है यह किससे क्रॉस से बना है देखो इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर सी जी एम एस बेसेड क्या सीजीएमएस बैसेड सावर हाइब्रिड डेवलप्ड एट एट इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद या तेलंगाना से विकसित किया गया है कहाँ से विकसित किया गया है हैदराबाद या तेलंगाना से विकसित किया गया है कौन सी मेथड का यूज करके विकसित किया गया है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टैलिटी का यूज करके इसका विकास किया गया है ठीक है कौन सी मेथड का साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेलिटी का यूज करके किसका डी एस एच 1158 डी एस एच 158 का विकास किया गया है कहां पे हैदराबाद एंड तेलंगाना में देखते हैं अंगली क्रॉप अंगली क्रॉप क्या है बॉटल गार्ड अब आ जाते हैं हम वेजिटेबल में बहुत 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 बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेडिट वेजिटेबल का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है यहाँ पर पहले वेजिटेबल की बात हो रही है तो वेजिटेबल क्रॉप की बात कर लेते हैं वेजिटेबल क्रॉप में फर्स्ट हाइब्रिड तो वेजिटेबल क्रॉप में फर्स्ट हाइब्रिड पहले बॉटल गार्ड आता है बोटल बॉटल गार्ड मतलब लौकी लौकी क्रॉप आती है उसके बाद टोमेटो आता है और उसके बाद हमारा क्या आता है कैप्सिकम या चिली आती है तो यदि आपसे कोई पूछता है कि वेजिटेबल में फर्स्ट हाइब्रिड वाली क्रॉप कौन सी है तो बॉटल गार्ड है सेकेंड कौन सी है तो टोमेटो है थर्ड कौन सी है तो हमारी कैप्सिकम मिर्च है तो यहां पर पूछा गया है कि बोटल गार्ड का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है तो देखो फर्स्ट इंडियन वेजिटेबल हाइब्रिड्स इंडिया में वेजिटेबल का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है पूसा मेघ दूत है किसका पूसा मेघ दूत है बॉटल गार्ड का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है पूसा मेघ दूत है इसका विकास कब किया गया है उन्नीस सौ में किया गया है बॉटल गार्ड का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है पूसा मेघ है कब विकास किया गया है उन्नीस में किया गया है और यह कब कहां से रिलीज हुई है वाज रिलीज बाई आई ए आर आई न्यू दिल्ली से इसका विकास हुआ है इन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ से विकास हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से इसका विकास हुआ है तो अब यदि आपसे कोई पूछता है कि वेजिटेबल का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है तो पहले क्रोप बॉटल गार्ड है बॉटल गार्ड में फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है तो पूसा मेहदूत है जिसका कब बना था उन्नीस में बना था ठीक है कहाँ से रिलीज हुआ है आई आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से इसका रिलीज किया गया है देखते हैं अंगली क्रो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ठीक है अब देखते हैं दूसरा हाइब्रिड वेजिटेबल का ठीक है तो वेजिटेबल का दूसरा हाइब्रिड कौन सा है टमाटो वेजिटेबल का दूसरा हाइब्रिड कौन सा है टोमेटो जैसे टमाटर कहते हैं ठीक है तो इसका फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है टोमेटो हाइब्रिड इसका कौन सा हाइब्रिड है कर्नाटका कौन सा है कर्नाटिका टोमेटो का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है टोमेटो का फर्स्ट हाइब्रिड है कर्नाटिका ठीक है अब कोई पूछता है कि वेजिटेबल का सेकंड हाइब्रिड कौन सा है तो टोमेटो क्रोप है टोमेटो क्रोप का कौन सा है कर्नाटिका है देखते हैं अंग्ली क्रोप अंग्ली क्रोप है हमारी कैप्सिकम अंग्ली क्रोप कौन सी है कैप्सिकम तो कैप्सिकम का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है कैप्सिकम का फर्स्ट हाइब्रिड है हमारा भारत कौन सा है कैप्सिकम का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है कैप्सिकम का फर्स्ट हाइब्रिड है भारत कैप्सिकम का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है भारत है अब आपसे वेजिटेबल का पूछा जाता है तो वेजिटेबल क्रोप में फर्स्ट हाइब्रिड बोटल गार्ड उसके बाद टमाटो उसके बाद कैप्सिकम बोटल गार्ड में फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा पूसा मैंग दूध है टमाटो का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है कर्नाटिका है कैप्सिकम का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है तो वह है भारत है ठीक है देखते हैं अंगली क्रोप अंगली क्रोप कौन सी है अंगली क्रोप है हमारी कैस्टर जैसे हिंदी में बोलते हैं अरंडी ठीक है तो इसका फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको अरंडी कैस्टर क्या कैस्टर जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं अरंडी तो अरंडी का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है जी एस एच थ्री क्या है जी एस एच थ्री क्या है जी एस एच थ्री क्या है फर्स्ट हाइब्रिड है कब विकास किया गया है उन्नीस में किया गया है कहाँ पर किया गया है गुजरात में किया गया है यह क्रिस के क्रॉस से बना है टी एस टी एस पी टेन आर इंटू जे आई पंद्रह के क्रॉस से बना है तो कैस्टर का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है सी एस एच थ्री है कब विकास किया गया है उन्नीस सौ अड़सठ में किया गया है कहाँ पर किया गया है गुजरात में किया गया है या किसके क्रॉस से बना है तो टी एस JI15 टी एस पी टेन आर इंटू जे आई पंद्रह के क्रॉस से बना है अब बात करते हैं अंग्ली क्रोप की ठीक है तो कैस्टर का फर्स्ट हाइब्रिड क्या हो गया सी एच सी एच एच थ्री क्या हो गया सी सॉरी जी सी एच थ्री कैस्टर का फर्स्ट हाइब्रिड क्या हो गया जी सी एच थ्री देखते हैं अंग्ली क्रोप अंग्ली क्रोप क्या है अंग्ली क्रोप है हमारी बीड़ी टोबैको जो बीड़ी टोबैको है टोबैको है तो उसका फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है तो उसका फर्स्ट हाइब्रिड है हमारा जी टी एच वन क्या है जी टी एच वन जो बीड़ी टोबैक्को है बीड़ी टोबैक्को है तंबाकू है उसका फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है जी टी एच वन है क्या है जी टी एच वन है देखते हैं अंग्ली क्रोप अंग्ली क्रोप कौन सी है हमारी अंग्ली क्रोप है हमारी ग्राउंड नट क्या है ग्राउंड नट ग्राउंड नट का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है ग्राउंड नट को हिंदी में क्या बोलते हैं मूंगफली बोलते हैं ठीक है इसका फर्स्ट फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है तो सी पाँच सौ एक इसका फर्स्ट हाइब्रिड है क्या है सी पाँच सौ एक इसका फर्स्ट हाइब्रिड है तो ग्राउंड नट का फर्स्ट हाइब्रिड क्या है ग्राउंड नट का फर्स्ट हाइब्रिड है हमारा पांच सौ एक देखते हैं अंगली क्रोप अंगली क्रोप क्या है सो so, बस इतनी ही क्रोपें थी ठीक है तो मैं ऐसे क्वेश्चंस लाया था या हाइब्रिड लाया था जो अधिकांशता क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते थे ठीक है क्रोपे तो बहुत सारी हैं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं लेकिन मैं इंपोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्रो क्रोपों के फर्स्ट हाइब्रिड लेके आया था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सो so, इनको क्या करें एक कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको आगे के लिए यूजफुल हो जाए ठीक है तो आज के लिए इतना ही जो भी क्लास थी अब फिर अगली क्लास लेके आऊंगा एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धांसू क्लास तो सबके लिए थैंक यू बाय बाय